करेंगे सेंसेक्स के बारे में, ठीक है। तो ये सेंसेक्स या आप कह लीजिए सेंसेक्स इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सेंसेक्स इंडेक्स है, ये ऐसा इंडेक्स है जो हमें मार्केट के बारे में बताता है कि मार्केट चल कैसे रही है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्सेज हैं, जैसे निफ्टी 50 भी है एक, और एक जैसे सेंसेक्स है, ये हमें एक्सचेंजेस द्वारा दिए जाते हैं हमें मार्केट को एनालाइज करने के लिए, मार्केट कैसे चल रही है उसके उसके लिए, ठीक है। कुछ कंपनीज को कंपेयर करके उसके द्वारा उसकी वैल्यू निकाल के ये हमें अपने उसकी वैल्यू देते हैं, जैसे सेंसेक्स की दे देंगे। अगर अप ट्रेंड में होंगी मतलब हमारा मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज, तो इसलिए वो अप ट्रेंड में होंगी। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा या आपने बड़े बड़े जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे सुना होगा कि आज मार्केट डाउन जाएगी, आज अप जाएगी। वो सिर्फ उस इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती, वो जो उसमें स्टॉक्स होते हैं, जो इंडियन मार्केट के बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो सेंसेक्स है, ये हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दिया गया है, ठीक है, इंडेक्स ये वाला, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, और ये 1875 में आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ये जो हमारा इंडेक्स है, ये आया था 1 जनवरी 1986, मतलब 1875 और 1986 के बीच में हम इंडियन स्टॉक मार्केट के पास अपना कोई इंडेक्स था ही नहीं कि वो मार्केट की परफॉर्मेंस बता सके कि कैसी चल रही है इंडियन मार्केट की परफॉर्मेंस। तो ये आया था हमारा 1986 के बाद, ठीक है, जो हमारा इंडेक्स है सेंसेक्स, ठीक है, जो सबसे पुराना इंडेक्स है हमारा इंडियन मार्केट का, ठीक है। तो इसकी थोड़ी और हिस्ट्री जान लेते हैं। तो जो हमारा इंडियन जो सेंसेक्स है, उसको नाम दिया था मिस्टर दीपक मोहिनी द्वारा, ठीक है। और इन्होंने दो वर्ड से सेंसेक्स का नाम दिया था, वो दो वर्ड्स थे सेंसिटिव और इंडेक्स, दोनों को जोड़ के उन्होंने बनाया था सेंसेक्स, ठीक है, जो हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आपको पता है उसके द्वारा दिया गया था। और इसमें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, जैसे आपको पता होगा निफ्टी 50 का बड़ा वो होता है, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे एक और ऐसी, जिसमें निफ्टी 50 में सामने पता लगता है 50। तो सेंसेक्स में जो हमारी सेंसेक्स है, उसमें टोटल जिनको जिन कंपनीज को कंपेयर करके इसकी वैल्यू दी जाती है, वो है हमारी टोटल 30 कंपनीज, ठीक है। और उन कंपनीज के नाम भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सेंसेक्स की, ठीक है। इस पर अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वैल्यू मतलब पूरे सिर्फ आपको फॉर्मूला बता दूंगा, इस पर एक और वीडियो पूरी बनाएंगे वीडियो इसमें कि ये सब क्या होता है, जो हम इसकी जो फॉर्मूला है उसमें बताएंगे आपको। तो सिंपल पहले इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेन करूँगा निकालते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ सेंसेक्स, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूला है वो है टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू बेस पीरियड इंडेक्स वैल्यू। तो ये है हमारी एस फॉर्मूला फॉर सेंसेक्स, सेंसेक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो 30 कंपनीज आती हैं सेंसेक्स में उनके बारे में। आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा मैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट करके कहीं उतार लें या देख लीजिए, आप करेंगे क्या तो देख लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारी लिस्ट, ठीक है। पहली हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जिसको हम बोलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, भारत एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो जो LNT जिसको हम बोलते हैं, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, HCL टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, नेस्ले इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, अल्ट्रा टेक सीमेंट, टाइटन कंपनी, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प, NTPC, इंडस बैंक, टाटा स्टील और हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये थी हमारी 30 कंपनीज जो सेंसेक्स में आती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं हम खत्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया सेंसेक्स होता क्या है, और इसमें इसकी जो 30 कंपनीज थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। थैंक यू।